मुझे सुनने वाले मेरे साथियों, गोवा और मध्य प्रदेश जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा को जनता ने न बहुमत दिया न सरकार बनाने लायक संख्या दी, लेकिन फिर भी इन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें बनाई गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति की गरिमा पर भी काला धब्बा लगाया गया। इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद अब भारत की जनता को न्यायालय की सबसे बड़ी चौखट पर भी सरकारी आतंक नजर आ रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के पक्ष में निर्णय देगी और संविधान और पूर्व निर्णयों की गरिमा को भी ताक पर रख कर देगी, तो भारत की आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? जनता तो फिर सरकार की गुलाम होकर रह जाएगी। जब सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, हर संस्था ही सरकार चलाएगी, तो जनता अपनी आवाज उठाने के लिए कहां जाएगी? जनता ने गोवा में भाजपा को नकारा, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने जबरदस्ती भाजपा की सरकार बनाई। मतलब जनता के वोट की कोई इज्जत नहीं रखी गई। कर्नाटक में जनता ने भाजपा को नकारा, फिर भी भाजपा की सरकार बनाई गई। यहां भी जनता के वोट का अपमान किया गया। महाराष्ट्र में जनता ने भाजपा को नकार दिया, फिर भी रात के 2 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है और सुबह 6 बजे भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है। मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को सरकार से बाहर कर दिया था। कांग्रेस को जनमत देकर सरकार बनाने का जनादेश मिला, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने फिर सरकारी गुंडागर्दी करते हुए जनता के वोट को लात मार दी और सरकार बना ली। अब फैसला जनता को करना है कि जो नेता, जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री जनता के वोट को लात मार कर अपनी ताकत दिखाता है, अपना गुरूर दिखाता है, अपना अहंकार दिखाता है, उस नेता को, उस पार्टी को, उस प्रधानमंत्री, उस गृह मंत्री को क्या सबक सिखाएगी, ये जनता को तय करना है। यदि आम जनता ने देश की हर संस्था सरकार के नियंत्रण में जाते हुए देखकर विरोध नहीं किया, तो जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, इराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया के गद्दाफी, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, सीरिया के बशर अल असद, उत्तर कोरिया के किम जोंग और चीन के जिनपिंग की तरह, भारत में भी मोदी को एक तानाशाह की तरह देश को गुलाम बना लेने की छूट मिल जाएगी। और इसी खामोशी का परिणाम है कि सरकार बेशर्मी और बेरहमी की हद पार कर रही है और जनता को कोरोना के बीच मरने के लिए छोड़ दिया है। और खुद मोदी जी सरकारी पैसे से LED लगवाकर गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। और सुना है 5 अगस्त को त्योहार मनाने की तैयारी हो रही है। सरकार का गुणगान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सरकारी कागजों पर जनता को क्या क्या सुख दिए गए हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। भाई, दुनिया के हर कोने में, हर धर्म में सामान्य सा रिवाज है, जिस घर परिवार के सदस्य की मौत होती है तो उस घर में ना पूजा होती है, ना हवन होता है, अरे खाना बनाने के लिए चूल्हा भी नहीं जलता। और हमारे देश की सरकार को हर रोज मर रहे सैकड़ों नागरिकों की मौत का कोई दुख नहीं है और खुशी से मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर रही है। क्या भारत के नागरिक जो हर रोज मर रहे हैं वो हमारे अपने नहीं है? क्या उनका कोई परिवार दुखी नहीं होगा? तो उनके मरने का सरकार को कोई दुख क्यों नहीं हो रहा? उन परिवारों के प्रति कोई संवेदना क्यों नहीं है? लोग सांस की तकलीफ से मर रहे हैं, दम घुट रहा है लोगों का, तड़प तड़प कर मर रहे हैं और सरकार जश्न मना रही है। क्यों ये शुभ कार्य 2 महीने बाद नहीं हो सकते? क्यों ये काम कोरोना के खत्म होने के बाद नहीं हो सकते? क्या सरकार को अब हमारे भाई बहनों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मेरे देशवासियों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने आने वाले कुछ सालों में
न वोट दे सकेंगे, ना विरोध कर सकेंगे, ना आवाज उठा पाएंगे, ना अधिकार मांग पाएंगे, ना रोजगार मांग पाएंगे, ना शिक्षा मांग पाएंगे, ना बहन बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे, ना बेटों को सड़कों पर मरने से बचा पाएंगे, ना रिपोर्ट लिखवा पाएंगे, ना कोर्ट पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो सबूत नहीं दिखा पाएंगे, ना सफाई दे पाएंगे, ना न्याय मिलेगा, ना अधिकार मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपमान मिलेगा, सीने पर गोली और पैरों में जंजीर मिलेगी। या तो आप चुप रहोगे या फिर जेल में रहोगे, मतलब आप अपने देश में नहीं पराए देश में रहोगे। अब जनता को तय करना है उसे कहां रहना है, अपने आजाद भारत में या गुलाम भारत। जय हिंद दोस्तों।